सीधा लिए चलते हैं आपको वायनाड, जहां पर प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। नामांकन दाखिल कर दिया है प्रियंका गांधी ने। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं और अब से बस कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जिस दौरान प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया। साथ में प्रियंका गांधी के लिए रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं, सोनिया गांधी, ये देखिए साथ में रॉबर्ट वाड्रा हैं और एक तरफ प्रियंका गांधी के बेटे भी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी को अक्सर आपने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करते हुए सुना होगा, लेकिन पहली बार प्रियंका गांधी ने अपने लिए वोट अपील की। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, फिर संबोधन और उसके बाद अब यहां पर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी को नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। प्रियंका बीजेपी ने वायनाड से नाव्या को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस वायनाड को अपना गढ़ मानती है और इसीलिए ये उम्मीद जता रहे हैं कि यहां से जिस तरह राहुल गांधी को आशीर्वाद मिला था जीत का, ऐसा ही आशीर्वाद वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को देगी। परिवार के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची है प्रियंका गांधी। ये देखिए साथ में सोनिया गांधी भी मौजूद हैं, जिस दौरान रायबरेली के चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी तो राहुल गांधी के लिए कहा था सोनिया गांधी ने कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। वायनाड की सीट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है। एक तरफ पति रॉबर्ट वाड्रा और दूसरी तरफ बेटे के साथ मौजूद प्रियंका गांधी, साथ ही सोनिया गांधी भी देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि बीजेपी अपने अपने तरीके से निशाना साध रही है और ये कह रही है कि एक सेफ सीट चुनी गई है कांग्रेस की ओर से, लेकिन कांग्रेस यही कह रही है कि लंबे वक्त से कार्यकर्ता ये चाहते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। नामांकन की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जिस दौरान नामांकन दाखिल कर रही थी। तो फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक जब प्रियंका गांधी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए दफ्तर पहुंची हुई है, दूसरी तस्वीर रोड शो की आपको दिखा रही है।
जब उनके साथ राहुल गांधी की भी मौजूदगी आपको नजर आएगी। हालांकि ऑफिस में भी उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी उपस्थित हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनके साथ यहां पर उपस्थित नजर आ रही है। ना केवल राहुल, सोनिया, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद है। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आने वाले हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए ये चुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रही है, पहला उनका ये लोकसभा चुनाव है, इसीलिए ये चुनाव जो है प्रियंका गांधी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें, आज तक प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार करते देखा गया होगा। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट्स के लिए वोट की अपील की, अपने भाई राहुल गांधी के लिए भी जनता से वोट मांगे। लेकिन आज पहली बार वायनाड में प्रियंका गांधी ने अपने खुद के लिए वोट मांगे हैं। जनता की भीड़ काफ़ी वहां पर देखने को मिली, लेकिन गांधी परिवार के लिए एक बात अक्सर कही जाती है कि गांधी परिवार जो है भीड़ तो एकजुट कर लेता है, लेकिन इस भीड़ को वोटों में तब्दील गांधी परिवार नहीं कर पाता है। अब प्रियंका गांधी क्या उस भीड़ को जो आज रोड शो में नजर आई, जो आज उनके संबोधन के दौरान देखने को मिली, जो वायनाड की जनता आज उन्हें सुनने के लिए पहुंची थी, क्या अब ये भीड़ वोटों में तब्दील होती है या नहीं, 23 नवंबर को रिजल्ट जब सामने आएंगे उस वक्त साफ हो जाएगा। क्या जो बात गांधी परिवार के लिए कही जाती है वही चीज़ क्या प्रियंका गांधी पर भी फिट बैठेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी राजनीति में कदम रखे ये बात कई बार सामने आ चुकी है। कई बार ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि देश की जनता चाहती है, दिल से चाहती है कि प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाए। अब पहली बार प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो इस चुनाव में कितना प्रियंका गांधी पहली बार देखिए चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यहां से जीत दर्ज की थी, अब उपचुनाव है और उसमें प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं कि देखिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पर्चा दाखिल करती हुई प्रियंका गांधी को आप देख सकती हैं। कांग्रेस परिवार के लिए ये बेहद खास पल है, क्योंकि अब आपको प्रियंका गांधी एक प्रत्याशी के तौर पर देखने को मिल रही है। ये वक्त जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अक्सर इंतजार किया करते थे। रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा देती हुई प्रियंका गांधी और ये पर्चा दाखिल किया जा रहा है। पूरा परिवार यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है। राहुल गांधी का संबोधन आपने सुना, जिसमें उन्होंने शुरुआत भी इस बात से की थी कि मैं किन शब्दों में बयां करूं कि कितनी सहज साधारण है मेरी बहन प्रियंका गांधी। उत्साह आप देख सकते हैं और प्रियंका गांधी के चेहरे पर जो खुशी है, जिस दौरान वो रोड शो कर रही थी नामांकन से पहले, वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस को इस सीट से, और साथ देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा भी हैं प्रियंका गांधी के साथ, सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, हर किसी को आप देख सकते हैं। पारिवारिक एकजुटता का संदेश और इसी के साथ साथ कांग्रेस के लिए ये पल और भी अहम। चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी, वायनाड उपचुनाव से जुड़ी हुई ये तस्वीरें बेहद अहम है। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, संबोधन भी किया, शक्ति प्रदर्शन की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, और अब प्रियंका गांधी साइन करती हुई, ये सिग्नेचर करने के बाद अपना जो नामांकन पत्र है वो सौंप रही हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। भरतपुर रैगी, ठीक है, भरतपुर रैगी।